हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा आज हमारा एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स क्या है, कहां से आया और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एथलेटिक्स के बारे में आज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके BPEAT, BPES और हमारा जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एथलेटिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि एथलेटिक्स को आज के समय में क्या बोला जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रैक एंड फील्ड। एथलेटिक्स को आज के समय में ट्रैक एंड फील्ड बोला जाता है। ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि एथलेटिक्स शब्द आया, एथलेटिक्स शब्द कहां से आया, ठीक है, तो एथलेटिक्स शब्द आया ग्रीस के एथलोस शब्द से, ठीक है। ग्रीस के एथलोस से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि एथलोस का अर्थ क्या है यहां पर, तो एथलोस का अर्थ है यहां पर प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि एथलेटिक्स को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो एथलेटिक्स को ओलंपिक में, अगर हम प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो 776 ईसा पूर्व में किया गया था। अगर हम बात करें कि आधुनिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो इसका उत्तर होगा हमारा 1896 एथेंस ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि एथलेटिक्स को क्या बोला जाता है, तो एथलेटिक्स को क्वींस ऑफ स्पोर्ट्स बोला जाता है, मतलब खेलों की रानी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही स्पोर्ट्स इस धरती पर आया था, ठीक है। क्वींस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है दोस्तों। सबसे प्राचीन खेल क्या है हमारा, एथलेटिक्स है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बात करेंगे आगे कि एथलेटिक्स का प्रथम ओलंपिक में आयोजन किया गया, ठीक है। एथलेटिक्स का प्रथम ओलंपिक में आयोजन किया गया। अगर प्रथम ओलंपिक पूछे कब हुआ था, तो प्रथम ओलंपिक हमारा हुआ था 1896 एथेंस में, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन के बारे में, कि इंटरनेशनल फेडरेशन क्या है, इसकी कब आई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में। तो एथलेटिक्स का है जो उसका जो हमारी इसकी फेडरेशन है, तो IAAF है इसकी फेडरेशन का नाम, ठीक है। तो इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे एक मतलब कब बनी। अगर पूछा जाए कि एथलेटिक्स की फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन कब बनी, तो ये बनी 17 जुलाई 1912 को, ठीक है, 17 जुलाई 1912 को, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि इसका हेडक्वार्टर मतलब जब स्टार्ट हुई थी इंटरनेशनल फेडरेशन, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था हमारा, इसका हेडक्वार्टर था हमारा स्टॉकहोम स्वीडन में, स्वीडन, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कि हेडक्वार्टर चेंज कब हुआ। हेडक्वार्टर चेंज हुआ इसका हमारा 1993 में, ठीक है, मोनैको हो गया था, 1993 में मोनैको हो गया था, ठीक है। अब बात करेंगे कि रीनेम्ड, कि IAAF का जो नाम चेंज हुआ वो कब हुआ। अगर प्रथम बार पूछे तो हमारा 2001 में हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। अगर पूछे कि दोबारा फिर कब चेंज हुआ, दोबारा चेंज हुआ हमारा 2019 में, जो इसका जब इसको बोला जाने लगा वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, इसको IAAF, इसकी फुल फॉर्म पूछे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। यहाँ भी IAAF है, यहाँ भी IAAF है, लेकिन यहाँ पर एमेच्योर है, ठीक है। अगर बात करें कि दोबारा रीनेम्ड कब हुआ, ये तो हुआ 2001 में, ठीक है, अब 2019 में हुआ, 2019 में क्या हुआ, वर्ल्ड एथलेटिक्स,
वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है दोस्तों। और पूछे इसके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है इसके वर्तमान समय में, सेबेस्टियन कोई, सेबेस्टियन कोई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक बेसिक एथलेटिक्स का बेसिक था। अब आगे भी इस वीडियो में थोड़ी हम बात करेंगे नेशनल फेडरेशन के बारे में। अगर पूछे कि हमारी जो नेशनल फेडरेशन बनी वो कब बनी, नेशनल फेडरेशन बनी AFI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, AFI कब बनी हमारी, पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि AFI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है हमारा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि ये मतलब कब बनी थी, तो इसका सही उत्तर है हमारा 1912 में बनी, ये बनी थी 1946 में, ठीक है, 1946 में। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें, अगर हमारा नेशनल हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है वो है एडिले सुमेरीवाला, ठीक है, एडिले सुमेरीवाला है, ठीक है, सुमेरीवाला। तो ये हमारी हो गई नेशनल फेडरेशन, ठीक है। अगर पूछे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे एथलेटिक्स के, तो ये थे हमारे प्रोफेसर जी डी सोंदी, ठीक है दोस्तों। अब बस एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी देख लीजिए कि ट्रैक एंड फील्ड को किन किन भागों में बांटा गया है। मतलब एक तो हो गया हमारा, जैसे हमारा एथलेटिक्स का हो गया ट्रैक एंड फील्ड हो गया, ठीक है, तो इसको हम बांटते हैं, एक तो हो गया हमारा रनिंग इवेंट और एक हो गया हमारा, ठीक है, रनिंग इवेंट हो गया, एक हो गया फील्ड इवेंट, नहीं, एक तो हो गया हमारा ट्रैक इवेंट, एक हो गया फील्ड इवेंट, ठीक है, ठीक है। यहां पर तो हो गए हमारे ट्रैक इवेंट और ये हो गए हमारा उधर फील्ड इवेंट्स, ठीक है, इधर हो गए हमारे ट्रैक इवेंट्स और इधर हो गए हमारे फील्ड इवेंट्स, ठीक है, दो भागों में बैठा है, ठीक है। अगर हम फील्ड इवेंट की बात करें, पहले हम ट्रैक इवेंट की बात कर ले, ट्रैक इवेंट में क्या क्या आता है, ट्रैक इवेंट में हमारा देखो नंबर एक पर आती है हमारी शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, ठीक है दोस्तों। नंबर दो पर आती है मिडिल डिस्टेंस रनिंग, ठीक है। अब नंबर तीन पर आती है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है। फिर नंबर चार पर आती है हर्डल रेसेज, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर पाँच पर आती है रिले रेसेज, ठीक है, रिले रेसेज। फिर नंबर छः पर आती है हमारी वॉकिंग रन, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे फील्ड इवेंट मुख्य रूप से दो भागों में बंटा है, ठीक है, जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं यहां पर जंपिंग इवेंट और इधर थ्रोइंग इवेंट, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें जंपिंग इवेंट की, तो जंपिंग इवेंट में सबसे पहले लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, ठीक है, लॉन्ग जंप,
नंबर एक पर, नंबर दो पर हाई जंप, नंबर तीन पर ट्रिपल जंप और नंबर चार पर पोल वोल्ट। पोल वोल्ट अगर हम थ्रोइंग इवेंट की बात करें तो थ्रोइंग इवेंट में हम सबसे पहले क्या लेंगे, हमारा जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ठीक है, शॉट पुट। देखो पहले तो ले लिया हमें जेवलिन, ठीक है, जेवलिन थ्रो, फिर ले लिया हमें वो शॉट पुट, फिर ले लिया हमने डिस्कस और फिर ले लिया हमें हैमर। ये हमारी हो गई थ्रो, ठीक है। तो दोस्तों एथलेटिक्स का आज की जो क्लास थी ये थी हमारी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एथलेटिक्स, ठीक है, मतलब एथलेटिक्स का बेसिक था ये, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में, अगर हमारी अगली वीडियो होगी तो वो होगी ट्रैक, ट्रैक मतलब ट्रैक की मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।